बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे लुसेंट भाग 14 आधुनिक भारत। इसमें हम कवर करेंगे भारत के ऐतिहासिक लड़ाई, प्रमुख राजवंश, सामाजिक सुधार आंदोलन, भारतीय प्रेस का विकास और हम बात करेंगे उसके बाद में विश्व के इतिहास में पुनर्जागरण, अमरीका का स्वतंत्रता संग्राम और बहुत कुछ। और ये होगा इस इतिहास का अंतिम भाग। इसी के साथ इस बुक में से इतिहास के जो भी टॉपिक थे वो सभी कंप्लीट होंगे। वीडियो की लेंथ में भी थोड़ा बढ़ जाए तो कोई बात नहीं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस बुक को आप अपने साथ में लेकर बैठिए। जिसके पास भी ये बुक है, बुक को अपने साथ में लीजिए, रखिए अपने सामने, उसको ओपन करिए। भारत का ऐतिहासिक जो लड़ाई का जो कंटेंट्स है, जो विषय है, इस पेज को अपने सामने खोल कर बैठिए और अपने हाथ में रखिए एक हाइलाइटर्स। हाइलाइट्स करना स्टार्ट करिएगा। जो जो पॉइंट मैं आपको आज बताऊंगा उन सबको हाइलाइट सबको करना है और टाइम टू टाइम उसको आपने रिवीजन उसका करना है, ठीक है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ना आप डाउनलोड मत करिएगा, क्योंकि लोग ऑफलाइन सेव कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि वीडियो का जो व्यू होता है वो कम काउंट होता है। और अगर व्यू कम होगा तो ये वीडियो जो और बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाता। तो अपने साथ साथ औरों के बारे में सोचेंगे तो आपका भी जल्दी विकास होगा और औरों का भी विकास होगा। तो इसी भावना के साथ आप जुड़े रहिए चैनल के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें अगर हम, ये है आपका 98 पेज नंबर। हो सकता है कि आपका एडिशन अलग हो, पुराना एडिशन अगर आपका होगा तो उसमें पेज नंबर अलग होंगे। मैं बात कर रहा हूँ इस पेज नंबर की। ये हो सकता है कि अलग अलग हो आपके बुक में, लेकिन आप स्टार्टिंग की जो विषय सूची आप उस पर फोकस करिए, वहाँ से आप डायरेक्ट इस पर पेज पे आप आ सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं भारत के ऐतिहासिक लड़ाई के बारे में। देखिए, जो वॉर थे, लड़ाई जो हुई थी वो काफ़ी सारी हुई थी, लेकिन हम पढ़ेंगे केवल सिलेक्टेड। जैसे तराइन का प्रथम युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था 1191 में। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को इसमें हराया था। तो देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, आपको इस पर फोकस करना है, 1191 में, और किस किस के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गौरी। तो इसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को क्या करा था, हराया था। तो जीता कौन था, जीता था पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी था, ये क्या था, ये हार गया था। आगे हम बात करते हैं पानीपत की पहली लड़ाई। तो ये 1526 में हुई थी, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था इसमें। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था आपका 1527 ईस्वी में और बाबर ने राणा सांगा को हराया था। देखिए, कुछ नाम एक्चुअली काफ़ी टफ होते हैं याद करते समय कि ठीक है याद नहीं हो पाते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। रिविज़न तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, एक बार वीडियो वॉच करने से बात तो बनेगी नहीं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपने साथ बुक को लेके बैठिए, बुक नहीं तो मार्केट से परचेज कर लीजिए। कोई भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक रखता है आपके आसपास, कोई भी अगर बुक सेलर होता है तो उससे परचेज कर लीजिएगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैं इस बुक का आपको लिंक दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं, जहाँ से आपको बेस्ट लगता है वहाँ से करिए परचेज। लेकिन बुक को लेके बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इतने सारे पॉइंट अगर आप नोट्स बना रहे हैं, बुक नहीं है तो भी पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है, आप डायरेक्ट नोट्स भी बना सकते हैं। टारगेट ये है कि ये सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। तो आगे हम बात करते हैं खानवा के युद्ध के बारे में। ये हुआ था 1527 में और किस किस के बीच में, बाबर ने राणा सांगा को इसमें हराया था। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये आता है आपका घाघरा का युद्ध, खासतौर पे उन स्टूडेंट के बारे में मैं बताना चाहूँगा जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स एग्जाम में पेपर वन में आपसे ये पूछता है। तो घाघरा का युद्ध की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, बाकी सब आपके एसएससी के एग्जाम में या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन घाघरा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था 1529 में, बाबर ने अफगानों को इसमें हराया था। आगे बात करते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। शेर शाह ने क्या करा था, हुमायूं को हराया था।
एक्चुअली इसके बीच में काफ़ी सारे युद्ध हुए थे, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो वॉर है वो है चौसा का युद्ध। होने को तो कन्नौज का युद्ध भी आप देख रहे हैं कि शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। तो मतलब कि 1539 में क्या हो गया था, चौसा का युद्ध हुआ था, दोनों के बीच में हुआ था, तो उसमें शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। लेकिन दोबारा एक साल बाद क्या करा, हुमायूं ने अपनी सेना तैयार करी, दोबारा शेरशाह पर वॉर करा, लेकिन क्या हो गया, दोबारा ये हार गया। तो शेरशाह ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में हराया था 1540 में। तो यहाँ पे आपको वर्ष, युद्ध का नाम और उसका क्या रिजल्ट रहा, ये हम देख रहे हैं। आगे हम बात करते हैं पानीपत की दूसरा युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध भी कह सकता है आपसे एग्जाम में। तो ये हुआ था 1526 में, अकबर ने हेमू को हराया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को इसमें हराया था, और ये हुआ था 1761 में। भारत चीन युद्ध, तो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, और प्रथम भारत पाक युद्ध, पहला जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1965 ईस्वी में, और द्वितीय जो हुआ था भारत पाक युद्ध ये हुआ था 1971 में। आगे हम बात करते हैं प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा उसकी राजधानी क्या क्या रही। तो हमको बात करते हैं हर एक वंश का, तो उसका संस्थापक था बिंबिसार और उसकी राजधानी थी राजगृह। और अगला जो है वंश वो है आपका नंद वंश, इसके संस्थापक थे महापदानंद और राजधानी थी इसकी पाटलिपुत्र। फिर सातवाहन वंश, संस्थापक रहे इसके सिमुख और राजधानी थी इसके प्रतिष्ठान। फिर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ मैं इस टॉपिक पर कि पल्लव वंश, पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह वर्मन चतुर्थ और राजधानी थी इसकी कांचीपुरम। गुलाम वंश के बारे में बात करते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक और इसकी राजधानी थी आपके क्या थी, दिल्ली। और कुतुब शाही वंश, कुलू कुतुब शाह, ठीक है, कुतुब शाही वंश का संस्थापक था कुली कुतुब शाह और इसकी राजधानी थी गोलकुंडा। तो ये जो क्वेश्चंस आप नीचे देख रहे हैं, लास्ट वाला क्वेश्चंस एक्चुअली एमटीएस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, काफी अजीब है। कुतुब शाही वंश भी कभी रहा था, हमें लगता है कि शायद नहीं रहा था, लेकिन ये भी एक वंश था, काफी कम कार्यकाल के लिए ये आया था, लेकिन अपनी काफी इसने छाप छोड़ी थी, और ये आपके आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको कवर करना आप लोग, याद करना। आगे बात करते हैं लोधी वंश का संस्थापक कौन था, ये सब आपको पता ही होगा पहले से ही, जो बच्चे काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनको तो शायद ये नस नस में बस गया होगा कि ये वंश कौन सा था, संस्थापक क्या था, उसकी राजधानी क्या थी। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी और राजधानी थी इसकी दिल्ली। फिर मैं बात करता हूँ आपसे यादव वंश की, संस्थापक था आपका बिल्लव 5 और राजधानी थी इसकी देवगिरी। राजवंश है आपका कुतुबशाही, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कुतुबशाही, कुतुबशाही वंश का जो संस्थापक था वो था कुली कुतुब शाह और राजधानी थी इसकी गोलकुंडा। फिर बात करते हैं हम लोग बहमनी वंश की, हसन गंगू और गुलबर्गा इसकी राजधानी रही। पाल वंश, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला पाल वंश, हो सके तो इसको आप याद मत करना, इसको नोट मत करना, इस वीडियो को पॉज करके अपने माइंड में हमेशा हमेशा के लिए इसको दर्ज कर दो। संस्थापक था इसका गोपाल और राजधानी थी इसकी मुंगेर। आगे बात करते हैं हम लोग सामाजिक सुधार आंदोलन कौन कौन से रहे, तो सामाजिक सुधार आंदोलन किसने करे, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, उसका क्या विषय था, इसके बारे में देखिए। सती प्रथा प्रतिबंध कब लगा था, ये लगा था उस टाइम पे जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। तो एग्जाम में आपको जो ऑप्शन देगा वो लॉर्ड विलियम नहीं देगा, कभी कभी एग्जाम में आपको देता है डायरेक्ट बेंटिंक के बारे में, ठीक है। सती प्रथा का जो प्रतिबंध लगाया था वो लगाया था बेंटिंक ने, और वर्ष था 1829। तो ये वर्ष कई बार पूछता है आपसे एग्जाम में कि किस वर्ष सती प्रथा का प्रतिबंध हुआ था, अंत हुआ था, समाप्त हुआ था, और किस गवर्नर जनरल ने करा था। तो ये करा था बेंटिंक ने 1829 में, सती प्रथा पर पूरी तरह से क्या लगाया, प्रतिबंध लगाया। तो शायद कुछ बच्चों को सती प्रथा के बारे में पता होगा और कुछ बच्चों को शायद नहीं पता होगा, जो अभी भी पास आउट हुए होंगे, जिन्होंने अभी भी 10th क्लियर करा होगा या फिर 12th क्लियर करा होगा, तो सती प्रथा के बारे में उनको शायद नहीं पता होगा। तो उनके लिए एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहूंगा, सती प्रथा एक्चुअली ऐसा होता था कि हस्बैंड वाइफ, ठीक है, अगर किसी महिला का अगर पति एक्सपायर हो जाता था, तो जब पति का दाह संस्कार होता था तो उसकी पत्नी को भी उसकी जो सैया होती थी, मतलब जिसपे मतलब करके चिता जिसको बोलते हैं, तो चिता के ऊपर जिंदा बिठाया जाता था, पति के साथ में भी दाह संस्कार मतलब शरीर का संस्कार उसकी वाइफ का भी करते थे। वो मानते थे कि अगर पति अगर गुजर गया है तो उसके पत्नी के जीने का कोई भी अब अस्तित्व दुनिया में नहीं है, इसको भी खत्म हो जाना चाहिए। अगर वो मना करती है, अगर वो तैयार नहीं होती है चिता में जलने के लिए, तो 4-5 लोग, 15-20 लोग डंडे का सहारा लेकर थे उसको पड़ताड़ी करते थे, उसको मारते थे, पीटते थे, और
इतना मारते थे कि वो बेहोश हो जाती थी और बेहोश वाले शरीर को ही उसके पति की चिता के साथ में जला दिया जाता था, यहाँ तक होता था। तो ये काफ़ी अच्छा काम करा बेंटिंक, जो पर्सनैलिटी था इसने सबसे बड़ा काम जो करा वो यही करा, और इसने पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव थॉट लोगों तक पहुँचाई। तो ये लॉर्ड गवर्नर जो था, ये छोटा मोटा गवर्नर नहीं था, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसने रोल हमारे भारत में अदा करा था। तो अब याद रखिएगा बेंटिंक सती प्रथा का क्या करा, इसने प्रतिबंध करा, और किस वर्ष करा, ये करा 1829 में। आगे बात करते हैं दास प्रथा पर प्रतिबंध कैसे लगा, किसने लगाया, ये लगाया आपका एलन बरो ने। कब लगाया था, 1843 में, और एक चार्टर एक्ट आया था 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंध कर दिया गया। एक्चुअली दास प्रथा क्या होती थी कि आपको पता होगा साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद क्या होता है, ठीक है, जैसे कि मैं हूँ कहीं का राजा, ठीक है, अब मैं क्या, जैसे कि चलो मैं नहीं, मैं आपको बनाता हूँ कुछ टाइम के राजा, कि आप कहीं के राजा हो, आपका कोई जगह है एक्स वाई जेड, आप अपने एरिया के राजा हो, तो आप क्या करते हो, आप किसी दूसरे स्थान में जा करके उस पर धाबा बोल देते हो, उस पर कब्जा स्थापित कर लेते हो किसी दूसरे राज्य पर, तो दूसरा राज्य आपके लिए क्या हो गया, वो हो गया उपनिवेश, और आप क्या हो गए, आप हो गए साम्राज्यवादी देश, और वहाँ पर जो आपने कब्जा स्थापित करा वहाँ पर लोग रहते होंगे, तो उन लोगों को वहाँ से उठा करके अपने राज्य में उनको अपने काम पर लगा देना, उनको कोई वेतन ना देना, उनको खाने के लिए कुछ ना देना, 24 घंटे में से 22 घंटे उनसे काम लिया जाता था, जब उनकी बॉडी एक्सपायर हो जाती थी, थक जाती थी, जब वो मर जाते थे, बॉडी को सिंपल जानवरों के सामने फेंक दिया जाता था, जानवर उनकी बॉडी को निचोड़ते थे, खाते थे। तो ये एक दास प्रथा थी, काफ़ी गंदी प्रथा ये भी रही थी, ठीक है, जिस तरह से सती प्रथा थी उसी तरह से दास प्रथा भी थी। तो दास प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था वो लगाया था एलन बरो ने, और किस वर्ष लगाया था, 1843 में, ये वर्ष आप याद रखिएगा, और उस टाइम पे जो 1833 में तो चार्टर एक्ट आया था, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं 1833 के चार्टर एक्ट में, लेकिन ये 10 साल बाद इम्प्लीमेंट हुआ था 1843 में। लेकिन वो आपसे एग्जाम में देखो यहाँ पूछ सकता है, जैसे कि आई थिंक कुछ बच्चे यहाँ पे अभी फिलहाल सब्सक्राइबर जो हैं जो स्टेट MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिनियम कब आया था, ये आया था 1833 में, बट इम्प्लीमेंट कब हुआ था, पूरी तरह से प्रतिबंधित कब हुआ था दास प्रथा, तो ये हुई थी 1843 में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पूरा सेंटेंस। आगे मैं बढ़ता हूँ आपसे, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, तो ये जो करा था, ये करा था लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में, और विधवा विवाह को अनुमति दी गई थी। पहले जो था, अगर पति एक्सपायर हो जाता था, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि सती प्रथा पर प्रतिबंध हो गया 1829 में, अब पत्नी की केवल जिंदा रहेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब सती प्रथा समाप्त हो गया, अब उस महिला से कोई ना कोई तो विवाह करेगा नहीं करेगा, तो विधवा पुनर्विवाह जो चलाया था वो चलाया था लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि एक अकेली महिला का समाज में अकेले रहना कितना कष्टदायी होता है वो वही महिला जानती है जो अकेली रहती होगी। तो महिलाओं के प्रति लॉर्ड कैनिंग ने भी बहुत अच्छा काम करा था, इसने ये बोला कि जो विधवा है उसका अगर पुनर्विवाह होता है, उससे भी विवाह करना चाहता है, ठीक है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर समाज इसके प्रति कोई बुराई दिखाता है, कोई मतलब कि कुछ बोलता है, तो उसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, लॉर्ड कैनिंग ने ये कहा था, और विधवा विवाह को अनुमति दे दी गई थी, राइट। आगे हम बढ़ते हैं शारदा एक्ट, थोड़ा सा ये समझने से थोड़ा सा परे है, ये शारदा एक्ट ऐसे हमको समझ में नहीं आएगा, हमको इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि शारदा एक्ट जो था, उस समय गवर्नर था इरविन, ये एक्ट जो लाया था वो लाया था इरविन, और ये लाया था 1930 में। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें ये हुआ था कि विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी थी, इसने ये करा था। और आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप इतिहास को थोड़ा सा पलटते हो उसके पन्ने और इतिहास में जाते हो, तो 14 वर्ष लड़कियों के लिए इसने न्यूनतम आयु रखी, लेकिन लड़कियों का विवाह क्या होता था, लड़कियों का विवाह हल्की सी वो बड़ी हुई नहीं, 9-10 साल में उसका विवाह कर दिया जाता था। इतनी कच्ची उम्र में अगर उसका विवाह कर दिया जाएगा, सोचो क्या वो फैमिली प्लानिंग के लिए वो एलिजिबल है, अभी उसका शरीर इतना परिपक्व हो चुका है नहीं। तो ये क्या होता था कि कम उम्र में शादी करने के बाद में क्या होता था, लड़कियों की डैश हो जाती थी ऑन द स्पॉट, वहीं पर शादी हुई, शादी के बाद में ठीक है, अगर जो फॉर्मेलिटी वगैरह होती है वो सब पूरी करी, जिम्मेवारी सर पे इतनी ज़्यादा आती थी कि वो पूरा बोझ नहीं उठा पाती थी, और कम उम्र में क्या होता था, वो कमजोरी का शिकार बन जाती थी, स्वास्थ्य उसका खराब हो जाता था। तो फाइनली क्या इरविन ने ये बोला कि यार कि ये काफ़ी गलत हो रहा है, इंडिया में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि एक एज डिसाइड हो, उससे कम एज में अगर कोई विवाह
अपने पुत्र का पुत्री का करता है तो उसके ऊपर केस होना चाहिए। ठीक है, ये छोटा सा मैंने एक्सप्लेन करा है आपको, आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ता हूँ, क्योंकि इस तरह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा और बुक को ख़त्म होने में पूरा साल लग जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं भारतीय प्रेस का विकास, समाचार या फिर पत्रिका पत्र। पहला जो समाचार पत्र आया था वो आया था बंगाल गजट, और संस्थापक थे इसके जेम्स औस्तम हिक्की, और ये वर्ष था आपका 1780 में। और ये प्रिंटिंग कहाँ पे हुई थी, ये प्रिंटिंग होती थी कलकत्ता में, कलकत्ता में बंगाल गजट आया था। और विशेष बिंदु क्या था इसका, विशेष बिंदु यही था कि भारत का प्रथम ये समाचार पत्र था। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, उसका नाम क्या था, तो ये था बंगाल गजट। या फिर पूछ सकता किस वर्ष आया था, तो ये आया था 1780 में। किस स्थान पर प्रिंट होता था, तो ये होता था आपका कलकत्ता में। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडिया गजट, बंगाल गजट के कुछ समय बाद मतलब 7 वर्ष बाद 1780 में पहले आया, तो 7 वर्ष बाद कितना हो गया 1787 आया आपका इंडिया गजट। ये सेम प्रिंटिंग होती थी कलकत्ता में। और उसके बाद हम बात करते हैं आपसे बॉम्बे हेराल्ड 1789, मुंबई में ये इसका स्थान था, और मुंबई से प्रकाशित ये प्रथम समाचार पत्र था। पूरे भारत का कौन सा था, बंगाल गजट, लेकिन मुंबई से पूछा जाएगा तो कौन सा था, ये था आपका बॉम्बे हेराल्ड। जैसे कॉमन सी बात है, बॉम्बे आपको नाम सामने दिखाई दे रहा, तो सिंपल बॉम्बे हेराल्ड क्या था इसका, मुंबई से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र। आगे बात करते हैं समाचार दर्पण, बड़ा प्यारा नाम है समाचार दर्पण, और ये आपका 10+2 में कई बार पूछा जाता है। कुछ नाम ऐसे होते हैं कि हमको नहीं पता होते, लेकिन ये भी समाचार पत्र था, और इसके संस्थापक थे विलियम कैरी, वर्ष था इसका 1818। आप समाचार दर्पण को बस ये मान लीजिए कि 1818 में हुआ था ये, इसका वर्ष स्टार्ट हुआ था, संस्थापक थे इसका विलियम कैरी, और इसको आप तुरंत एक काम करना कि इस पूरे को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, इस पूरे को आप यहाँ से यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लेना इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग बंगाली, बंगाली एक्चुअली पत्रिका थी, और इसके संस्थापक थे गिरीश चंद्र घोष 1862 कलकत्ता में। अब हम बात करते हैं बंग दर्शन, बंग का मतलब बंगाली, ये एक बंगला मासिक पत्रिका थी, और इसके संस्थापक थे बकिम चंद्र चटर्जी 1873 में ये पेपर आया था। किस स्थान पर, कलकत्ता से प्रिंट होता था। आगे बात करते हैं हिंदू, जी एस अय्यर एवं वीर राघवाचारी 1878 और मद्रास, केसरी एवं मराठा, बाल गंगाधर तिलक इसके संस्थापक थे। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक इसके संस्थापक थे, वर्ष था इसका 1881, मुंबई से प्रकाशित होता था, और इसका विषय था केसरी मराठा दैनिक और मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक। अब हम बात करते हैं विश्व इतिहास के बारे में, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ था इटली के फ्लोरेंस नगर से। अब एग्जाम में देखिए जो ये हुआ था कि पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, ये हुआ था आपका कहाँ से, इटली से, और इटली का कौन सा नगर था, कौन सा शहर था उसका नाम, उसका नाम है आपका फ्लोरेंस नगर। आगे बात करते हैं, देखिए इटली के महान कवि थे दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है दांते को। और इसका प्रारंभ कहाँ हुआ था, प्रारंभ हुआ था इटली के फ्लोरेंस नगर में, बस आपको इतना ही याद रखना है इसमें। उसके बाद हम बढ़ते हैं, दांते के बाद कौन आया था जिसने पुनर्जागरण को आगे कंटिन्यू रखा, तो दूसरे व्यक्ति थे पेटॉक, इसको बोलते हैं पेट्रॉक। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। प्रथम राजनीतिक चिंतक कौन थे जो फ्लोरेंस के निवासी थे, ये थे आपके मैकियावेली। अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं मैकियावेली को, या मैकियावेली को। अगला जो पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपका लियोनार्डो दा विंची, द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। तो ये जो व्यक्ति हैं लियोनार्डो दा विंची, द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक एक अमर चित्र हैं, इसके ये रचयिता थे।
तो आपसे पूछता है कि मोनालिसा के रचयिता कौन है या द लास्ट सफर के रचयिता कौन है, तो इनका नाम है लियोनार्डो दा विंची। अगला जो पॉइंट है वो है आपका द लास्ट जजमेंट। द लास्ट सफर और द लास्ट जजमेंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां थी। माइकल एंजेलो की कृति कौन कौन सी थी? द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन। आगे बात करते हैं हम लोग पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं जियाटो को। और पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। कौन था? फ्रांसिस बेकन। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया था। जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने करा था? तो ये करा था आपका मार्टिन लूथर ने। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, ये किसने बोला था? इसका खंडन सबसे पहले पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था। और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 16वीं सदी में। कब हुई थी? 16वीं सदी में। आगे हम बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो कहाँ का था? जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में करा था। अभी हमने कुछ समय पहले ये टॉपिक देखा था, तो आप याद रखिएगा मार्टिन लूथर कहाँ का था रहने वाला? जर्मन का रहने वाला था। और धर्म सुधार आंदोलन का इसको प्रवर्तक माना जाता है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और हर एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, ये पूछता है आपसे एग्जाम में। तो ये हुई थी आपकी इंग्लैंड से। और अमेरिका की खोज किसने करी थी? वैसे इसका पूरा नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, लेकिन एग्जाम में जो आपको ऑप्शन देता है वहां पे आपको देगा कोलंबस। क्रिस्टोफर एक्चुअली बहुत कम नाम यूज करते हैं, तो आप क्रिस्टोफर याद मत करिएगा, केवल आप याद रखिएगा कोलंबस। इसके बारे में शायद आपको ये नाम अच्छे से पता होगा, पहले से ही आपने शायद कभी मॉक टेस्ट दिया होगा। अगर आप मॉक टेस्ट देते होंगे तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते होंगे। इसका राइट आंसर आपको पहले से याद होगा, जिसको नहीं याद है वो बुक को हाईलाइट कर लीजिए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। और समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये था आपका मैगलन। कौन था? मैगलन। आगे बात करते हैं अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई थी। और रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी हैं, तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी होते हैं? तो ये होते हैं आपके अमेरिका के। और अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली थी। अमेरिका जो आज़ाद हुआ था वो कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 में। और अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध जो हुआ था 1783 में लड़ा गया था, और पेरिस की संधि के साथ में ये समाप्त हो गया था। तो आपसे ये पूछता है कि अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 में किस संधि के तहत समाप्त हुआ? यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, तो आप याद रखिएगा पेरिस की संधि हुई अमेरिका के साथ में, उसके बाद में युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। और अमेरिका क्या हो गया? आज़ाद हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि अमेरिका स्वतंत्र भारत का जो संग्राम हुआ था उसका जो नायक था उसका नाम क्या? उसका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन, जो बाद में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। आगे बात करते हैं अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? वो था आपका बोस्टन की चाय पार्टी। और ये बोस्टन की चाय पार्टी एक्चुअली क्या हुई थी, कहाँ पर हुई थी, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। 16 दिसंबर 1773 को ये पार्टी हुई थी, और इस घटना में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो गया था। इस घटना का नायक कौन था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर स्टेट प्रीलिम्स एग्जाम पेपर वन, जीएस पेपर वन। तो यहाँ पे आपका ये नाम पूछ लेता है, जिसका सितंबर में एग्जाम होने वाला है यूपीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम में। आप याद रखिएगा ये जो नाम आपको दिखाई दे रहा है सैमुअल एडम्स, तो ये इस घटना का क्या था? नायक था। आगे हम बात करते हैं, देखिए प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी आपकी अमेरिका में। आगे बात करते हैं, देखिए संसार में सबसे पहले लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ था।
सबसे पहला जो लिखित संविधान था वो किसका था, अमेरिका का था, कब, 1789 में। आगे बात करते हैं, देखिए कि अमेरिका में दासों के आयात को 1808 में अवैध घोषित कर दिया। एक्चुअली क्या होता था, अमेरिका बाहर से कुछ लोगों को मंगवाता था, अपने यहाँ पे दिन रात काम करवाता था, अपनी फैक्ट्री में उत्पादन करवाता था, लेकिन 1808 में ये पूरी तरह से क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया, इस पे प्रतिबंध लग गया। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में हुई और दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच में हुई थी, और दक्षिण राज्य दासत्व के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उस पर विरोधी थे। अमेरिका गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य में हुई और इसी युद्ध के फल स्वरूप दास प्रथा का अंत हुआ। इब्राहिम लिंकन की हत्या, अगला जो पॉइंट है वो है आपका इब्राहिम लिंकन की हत्या। जॉन विल्किस बूथ नामक व्यक्ति ने 4 मार्च 1865 को कर दी। अमेरिका फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, ये करी थी आपकी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आगे बात करते हैं, फ्रांस की राज्य क्रांति जो हुई थी उससे संबंधित क्या क्या फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में लुई सोलवा के शासनकाल में हुई थी। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी कब हुई थी, 1789 में, ये डेट आपको याद रखनी है, ये वर्ष आपको याद रखना है, और किसके शासनकाल में हुई थी, उस टाइम पे शासन जो करते थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था लुई सोलवा। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। उस समय फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी, तो वो थी सामंती। तो सामंती आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है केवल फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी कब हुई थी, उस समय शासन करने वाला व्यक्ति कौन था, उसका नाम था लुई सोलवा। राइट, आगे बढ़ते हैं। मैं ही राज्य हूँ और मैं और मेरे सब भी कानून है, तो ये किसने कहा था, ये कथन किसका था, क्या कथन, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही क्या है, कानून है, तो यह कथन दिया था लुई सोलवा का। लुई सोलवा 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, और टैले एक प्रकार का क्या था, एक भूमिकर था। वोल्टेयर चर्च का पूरी तरह से क्या था, विरोधी था। तो कौन ऐसा व्यक्ति था जो चर्च का बिल्कुल विरोधी था, चर्च को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, तो ये था आपका वोल्टेयर। और इसका ये कथन काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा कथन, 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, एक सिंह का शासन काफी उत्तम होता है। तो ये कथन किसने कहा था, ये उक्ति थी, ये पंक्ति थी, ये कथन था वोल्टेयर का। अगला जो है, एक है आपकी कानून की आत्मा की रचना। कानून की आत्मा एक बुक है, एक नॉवल है, ठीक है। तो ये जो उपन्यास है कानून की आत्मा का, रचना कौन था, तो ये रचनाकार थे, रचयिता थे, लेखक थे इसके, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू का नाम आप याद रखिएगा, और इनकी जो रचना थी कानून की आत्मा, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। माप तोल की दशमलव, मतलब डेसिमल जो यूनिट थी, डेसिमल सिस्टम फ्रांस की देन थी। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। 1804 ईस्वी में नेपोलियन जो था वो फ्रांस का सम्राट बना था। नेपोलियन ने ही सबसे पहले इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। सबसे पहले इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था, ये कहा था नेपोलियन ने। अगला जो पॉइंट हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा था। तो कौन सा युद्ध था, नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजों बेड़े के एक नायक थे नेल्सन, उनके हाथों नेपोलियन क्या था, पराजित हुआ था। आगे बात करते हैं, नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण। नेपोलियन का जो पतन था वो किस कारण से हुआ था, वो हुआ था रूस पर, जब उसने आक्रमण करा था उसका पूरी तरह से पतन हो गया था। आगे बात करते हैं, देखिए कि वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका इटली का एकीकरण। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे, और इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजिनी को माना जाता है, और इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रेलिया था, और इटली के एकीकरण की तलवार किसको कहा जाता है,
देखिए मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट की और आप देख रहे होंगे मैं इस पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूँ फोकस। तो ये कहा जाता है गैरी बाल्डी को। यंग इटली की स्थापना 1831 में हुई थी और किसने करी थी? जोसेफ मेजिनी ने। गैरी बाल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन ने किया था। गैरी बाल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। गैरी बाल्डी जो व्यक्ति था ना उसने सेना का संगठन करा था, इसका नाम क्या था? लाल कुर्ती। हो गया बच्चों क्लियर? बढ़ू आगे। अब हम बात करते हैं कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक था गिवर्टी और इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है और 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली का राजधानी घोषित किया गया था और इटली की एकता का जन्मदाता किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं नेपोलियन को। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया और बिस्मार्क पर्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क जो था वो पर्सा का एक शासक था, विलियम प्रथम उसका ये प्रधानमंत्री था। और जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था बिस्मार्क के द्वारा। और जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? वो था पर्सा। शक्तिशाली राज्य जर्मनी का कौन सा था? वो था पर्सा। आगे बात करते हैं, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। कुछ चीजें जब हम बुक को पढ़ते हैं बच्चों वो कुछ हम लोग हाईलाइट्स कर लेते हैं लेकिन कुछ स्किप हो जाती हैं हाईलाइट्स करने से, तो वो हम लोग बाद में कवर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप भी ऐसे कर लेना दोबारा से हाईलाइट उसको कि जर्मनी में राष्ट्रपति का संदेश वाहक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है और जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता बोलते हैं हम लोग फ्रेडरिक लिस्ट को। और उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मैटरनिक था किस समय? जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तब। आगे बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को बेडनबर्ग में और विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था और फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो चुका। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन से युद्ध के बाद में जर्मनी का एकीकरण हो पाया, तो वो था युद्ध आपका सूडान का युद्ध। आगे बात करते हैं हम लोग रूसी क्रांति। ठीक है, रूसी क्रांति सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये क्रांति कब हुई थी? ये हुई थी 1917 में। ये वर्ष आपको पता होगा पहले से लेकिन फिर भी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन ने किया था, वह वेल्स का रहने वाला था और आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग जो उत्तराखंड पीसीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड के एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी एसएससी में ये क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया है। आगे हम बात कर रहे हैं, देखिए वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था और कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी भी था। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है और दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ तभी बात बनेगी, जब मजदूरों का शोषण होता है क्योंकि उनमें एकता की कमी होती है, एकता में बहुत बल होता है। तो कार्ल मार्क्स ने ये बोला दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, अपनी आवाज को उठाओ और अपनी बातों को मनवाओ। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? रूस के शासक को बोलते हैं जार। यह जार शाही व्यवस्था मार्च 1917 में समाप्त हो गई। रूसी क्रांति की शुरुआत के बाद में यह समाप्त हो गई। जार मुक्तिदाता के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अलेक्जेंडर द्वितीय को, अलेक्जेंडर सेकंड को। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस था और लेनिन ने चेका संगठन की स्थापना की थी। लेनिन ने कौन से संगठन की स्थापना की थी? उसका नाम क्या था? उसका नाम था चेका। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कैसे हुई थी? बम विस्फोट में हुई थी। कैसे हुई थी? बम के विस्फोट में ये इनकी हत्या हुई थी। और एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था जार
निकोलस सेकंड ने। यह दल दो गुटों में विभाजित था, ठीक, कौन कौन से? एक था आपका बोलशेविक और एक था आपका मानशेविक। बोलशेविक दल का नेता लेनिन था। और उसके बाद हम बात करते हैं कि 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू करी। नई आर्थिक नीति कब हुई थी लागू? 1921 ईस्वी में। उसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक रूस का निर्माता कौन था, तो ये था आपका स्टालिन। कौन? स्टालिन। बढ़ते हैं आगे, लेनिन की डेथ हुई थी 1924 में, और मदर की रचना रचयिता कौन थे? मैक्सिम गॉर्की। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था? इसका नारा था युद्ध का अंत करो। और जो प्रथम युद्ध था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1914 में स्टार्ट, 1918 में समाप्त हुआ था। 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला, और द्वितीय विश्व युद्ध का जो अंत हुआ था वो हुआ था जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया था। ठीक है, पहले बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। और सेकंड बम का नाम था आपका फैटमैन। पहला बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा बम गिराया था 3 दिन बाद, मतलब 6 अगस्त के 3 दिन बाद क्या आएगा? 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। तो ये आपसे बम का नाम पूछ लेता है, वर्ड्स पूछ लेता है, और इसी के साथ में ही द्वितीय विश्व युद्ध का 1945 में अंत हुआ। अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। औद्योगिक क्रांति 7। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, और क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी, इसलिए इसका बैकबोन काफी स्ट्रांग हो गया, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि इसके पास उपनिवेश भी थे, काम करने के वाले लोग भी थे, और कच्चा माल एवं पूंजी दोनों थी, तो इसलिए इंग्लैंड में शुरुआत हुई। आगे बात करते हैं, देखिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई थी। कौन सा उद्योग था? ये था आपका सूती कपड़ा उद्योग। उसके बाद हम बात करते हैं 1761 ईस्वी में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर की वर्सले तक एक नहर बनाई थी। तो कब बनाई थी ये नहर? ये बनाई थी 1761 में मैनचेस्टर से बर्सले तक। ठीक है, ये स्थान है, यहाँ से यहाँ तक इसने एक नहर बनाई थी। और इंजीनियर का नाम क्या था? इंजीनियर का नाम था आपका ब्रिंडले। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, लेकिन जर्मनी ने इसके खिलाफ खड़ा होना ज्यादा पसंद करा, और दोनों के बीच में प्रतिद्वंद द्वंद जो था वो स्टार्ट हो गया कि औद्योगिक क्रांति में सबसे पहले हमारा नाम आना चाहिए। तो बस कुछ नहीं, रेट बढ़ते गए, उपनिवेश बाद बढ़ते गए, एक देश दूसरे पर कब्जा करने लगा, अपना क्षेत्रफल बढ़ाने लगा, कच्चे माल पर दूसरे के आधिपत्य स्थापित करने लगा, कब्जा करने लगा। तो ये सब पॉइंट थे कुछ। और उसके बाद हम बात करते हैं 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में हुआ था, और गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? गुलाबों का युद्ध ये हुआ था इंग्लैंड में। आगे हम बात करते हैं, इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया, और इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था, और इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई थी, और गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा गया था, और संसद के समर्थकों को राउंड हेड्स कहा जाने लगा। अब हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ में हुई थी। यह 4 वर्षों तक चला, मतलब कि 1914 में स्टार्ट हुआ, 1918 में इसकी समाप्ति हुई। इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया? इसको हाईलाइट करना आप अपनी बुक में, 37 देशों ने इसमें भाग लिया, और शुरुआत हुई थी इसकी 28 जुलाई 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया के एक राजकुमार थे, उनका नाम था फर्डिनेंड, की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में उनकी हत्या कर दी। उसके बाद में ये युद्ध स्टार्ट हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व दो भागों में डिवाइड हो गया,
पूरा जो वर्ल्ड का जो आप मैप देखते हो वो दो भागों में डिवाइड हो गया। पहले भाग को बोलते थे हम लोग मित्र राष्ट्र और सेकंड को बोलते थे हम लोग धुरी राष्ट्र। तो एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण कितने भागों में कितने खेमों में बट गया, 2, 3, 4, 5 ये ऑप्शन आपको देगा। तो आपको राइट आंसर याद रखना है, दो खेमों में बट गया उसका नाम क्या था, या फिर आपसे पूछ सकते हैं दो खेमों के नाम क्या थे। तो आपको दोनों के दोनों ही याद रखने हैं, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने करा था और इसमें कौन कौन से देश शामिल थे। धुरी राष्ट्र में आपका ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली थे। और बात करते हैं हम लोग मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल थे। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक बिस्मार्क था और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ था। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी, ये थी आपकी काला हाथ, ब्लैक हैंड। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर 1 अगस्त 1914 में एवं फ्रांस पर आक्रमण करा था 3 अगस्त 1914 में। आगे हम बात करते हैं, देखिए 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। देखिए सीजीएल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड कब शामिल हुआ था, वो वर्ष क्या था। मतलब 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। और प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन था और अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई, ये हुई थी आपके 11 नवंबर 1918 को। तो आपको स्टार्टिंग भी याद रखनी है, शुरुआत कब हुई थी और इसका अंत कब हुआ था, दोनों ही आपको वर्ष याद रखने हैं। कभी कभी एग्जाम में सीजल जैसे एग्जाम में आपसे पूरी की पूरी डेट पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, ये भी आप सामने देख लीजिएगा ध्यान से। अभी हमने देखा कुछ समय पहले 28 जुलाई 1914 को, और अंत कब हुआ था 11 नवंबर 1918 को। वर्साय की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ में हुई थी। और वर्साय की संधि में क्या हुआ था, जर्मनी के ऊपर एक फाइन लगाया गया था, फाइन मतलब हर्जाना लगाया गया था, उसका अमाउंट कितना है, 6 अरब 50 करोड़ पाउंड। तो ये अमाउंट आपका प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और सीजीएल के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी इस बुक में हाईलाइट करे गए हैं आपके ए टू जेड, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, ग्रेड डी से लेकर के जो भी आपका 4600 का स्केल बनता है प्लस आपका स्टेट पीसीएस की तैयारी आप कर रहे हैं उन तक के लिए ये सभी पॉइंट आपको रीड करने हैं। अगर आपको मेंस एग्जाम में बैठना है जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है पूरा ढंग से, डिस्क्रिप्टिव आपका एग्जाम है मेंस में जो भी आपका एग्जाम होगा स्टेट का, तो वहाँ पे आपको सभी पॉइंट पढ़ लेते हैं आप वीडियो को पॉज करके, तो ज़्यादा अच्छा है। डायरेक्ट बुक में से पढ़ना चाहें बुक में से पढ़ सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट काफी फैक्ट है लेकिन ये काफ़ी बेसिक पॉइंट है, लेकिन SSC के लिए इतना इनफ है जितना आपको करवाया जा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्षाई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण था। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उसका बीजारोपण क्या था, वो था आपके वर्षाई की संधि, जो कि किस पर हुई थी, वो हुई थी जर्मनी पर। कब हुई थी, 1919 में। कौन सी डेट में, 28 जून को। कौन सा अमाउंट उसके ऊपर फाइन लगाया गया था, वो फिगर क्या था, वो फिगर था आपका 6 अरब 50 करोड़ पाउंड, ना कि रुपीज, ये थे पाउंड में। अब हम बात करते हैं चीनी क्रांति के बारे में। उन्नीस सौ ग्यारह ईस्वी में चीनी क्रांति का नायक कौन था, ये था सन यात सेन। और कोविनेड लीग सोसाइटी का संस्थापक था सन यात सेन। तो आप याद रखिएगा चीनी क्रांति 1911 में हुई थी। बात करें रूस की क्रांति, अभी इससे पहले हमने देखा था वो हुई थी 1917 में, तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। चीन की बात करें तो चीन का आपको राइट आंसर देना है, रूस की बात करें तो आपको रूस का रिप्लाई करना है अपने एग्जाम में। देखिए बाकी आगे कुछ खास पॉइंट इसमें नहीं है, थोड़ा देख लेते हैं आगे कुछ पॉइंट मिले तो ठीक है। एक पॉइंट और है कि सन यात सेन की डेथ हुई थी 1925 में और चीन में गृह युद्ध स्टार्ट हुआ था 1928 में। खुले द्वार की नीति कौन से देश ने अपनाई थी, टर्की, रूस, चीन या अमेरिका। आपको ये चार ऑप्शन देता है, तो आपका राइट आंसर वहां पे क्या होगा, खुले द्वार की नीति अपनाई थी चीन ने।
और खुले द्वार की नीति का प्रतिपादन किसने करा था, किसने उसको रन करा था, ये नीति किसने स्टार्ट करी थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था जॉन हे। उसका नाम क्या था? उसका नाम था जॉन हे। और चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है। एशिया का मरीज कौन से देश को बोला जाता है? तो एशिया के मरीज की संख्या कौन से देश को दी गई है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपका, तो इसका राइट आंसर है चीन। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो चीन में हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1921 में। आगे हम बात करते हैं टर्की की। टर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। देखिए, एशिया का मरीज बोलते हैं चीन को, लेकिन यूरोप का मरीज बोलते हैं हम लोग टर्की को। तो दोनों में ही आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। बात करें एशिया की तो राइट आंसर होगा आपका चीन, और बात करें अगर यूरोप की तो यूरोप का राइट आंसर होगा टर्की। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 में हुई थी, और आधुनिक तुर्की का निर्माता जो था मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। और मुस्तफा कमाल पाशा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1891 में सेलेनिका के स्थान पर। और तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 में हुआ था, और एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गलीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की थी। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ईस्वी के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफा कमाल पाशा ने की थी, और 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच में एक संधि हुई थी जिसको बोलते हैं लोजान की संधि। तो आपको याद रखना है लोजान की संधि कब और किस किस के बीच में हुई थी। लोजान की संधि हुई थी 1923 ईस्वी में और तुर्की एवं यूनान के मध्य। आगे हम बात करते हैं तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा हुआ, और 1932 ईस्वी में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना हुई थी, और 1924 ईस्वी में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा करी गई। उसके बाद इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है आपका कुस्तुनतुनिया। और कमाल पाशा की जो डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी 1938 में। अब हम बात करते हैं इटली में फासिस्टों का उदय। फासिज्म का उदय सबसे पहले इटली में हुआ था, और इसके जन्मदाता कौन थे? मुसोलिनी। तो मुसोलिनी किसके जन्मदाता थे? ये थे आपके फासिज्म के जन्मदाता थे। और इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी इटली में। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी इटली में, और मुसोलिनी का जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में रोमागना में। ये जगह आपसे पूछ लेता है कि इटली का जन्म स्थान कौन सा है, तो आपको याद रखना है रोमागना। मुसोलिनी के दल का नाम फैसिस्टवाद था, और इसकी स्थापना मिलान में की गई थी, और मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या 22 थी। कितनी थी संख्या? 22। जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण 1936 में किया था। और उसके बाद हम बात करते हैं जर्मनी में नाजीवाद का उदय। नाजीवाद का उदय जो जर्मनी में करा था, इसका उत्थान जो करा था वो करा था हिटलर ने। आप याद रखिएगा, नाजीवाद और फैसिस्ट की बात करें हम लोग, फैसिज्म की बात करें, तो मुसोलिनी और हिटलर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चे दोनों नाम को आपस में मर्ज कर देते हैं, और कहीं का कुछ पूछता है एग्जाम में, और कहीं का कहीं अपना आंसर लगा के आते हैं। तो इतना आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वीडियो को हो सके तो दोबारा एक बार प्ले कर लेना, और उसको वॉश करके देखना, दोबारा अपनी बुक में से टैली करना। दो बार आपका वीडियो देखना इनफ है, ठीक है। हिटलर का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 को वॉन में हुआ था, तो ये जन्म के बारे में आपसे इतना नहीं पूछता है। आगे हम बात करते हैं 1920 ईस्वी में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या जिसको बोलते हैं नाजी पार्टी की स्थापना करी थी, और जर्मन वर्क्स पार्टी का संस्थापक हिटलर था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक राष्ट्र और एक नेता का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था हिटलर ने। हिटलर की आत्मकथा का नाम माई कैंप्ट मतलब मेरा संघर्ष था,
और जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 में हुई थी। और एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति, और हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को खुद अपनी आत्महत्या कर ली थी अपने बंकर में। आगे हम बात करते हैं जापानी साम्राज्यवाद की, कि जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन सा देश था? तो वो था आपका चीन। और जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने की थी, और 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया था। जापान रूस की युद्ध की समाप्ति जो हुई थी वो हुई थी 5 सितंबर 1905 में, और 1905 को पोर्ट्स माउथ की संधि के द्वारा ये समाप्ति हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? पोर्ट्स माउथ। पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता है। पीत आतंक कौन से देश में फैला था उस देश का नाम बताइए, क्वेश्चन मार्क एग्जाम में। ये चार ऑप्शन आपको देगा, रूस, चीन, जापान, और साथ में दे देगा आपको अमेरिका। तो आपको राइट आंसर याद रखना है, ये था आपका जापान। अब हम बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। जापान ने किसका साथ दिया था? ये दिया था धुरी राष्ट्र का। और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश सम्मिलित थे इससे पहले हम डिस्कस इस वीडियो में कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं, अमेरिका ने जापान पर अणु बम गिराया था, जिसको हम बोलते हैं परमाणु बम। ये गिराया था 6 अगस्त 1945 को। कहाँ पे गिराया था? हिरोशिमा पर। और बम का नाम क्या था ये भी मैंने आपको बताया था अभी इसी वीडियो में। क्या था ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत मुझे लिखकर भेजेंगे, जिससे कि मैं देखूं कि आपको कितना याद था, कितना भूले, कितना याद रहा, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 को जापान ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। 6 अगस्त के बाद में 9 अगस्त को भी बम गिराया गया था, वो गिराया गया था नागासाकी पर। चलिए मैं आपको बताता हूँ, पहले बम का नाम था वो था आपका लिटिल बॉय, सेकंड बम का नाम था आपका फैट मैन। तो आप साइड में इसको लिख लीजिएगा, जो इस बुक से अलग हम लोग बात कर रहे हैं, तो बुक में नीचे थोड़ा स्पेस बचता है तो वहां पे स्टार डाल के आप ये अलग से फैक्ट लिख सकते हैं। क्या पता इस बुक में कवर होगा, तो हम देखते हैं आगे, होगा तो अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1939 को, और यह युद्ध लड़ा गया 6 वर्षों तक, ठीक है। और इसमें जो देशों ने भाग लिया वो लिया 61 देशों ने इसमें भाग लिया, और इसका अंत हुआ 2 सितंबर 1945 को, मतलब 1939 में स्टार्ट हुआ और 1945 में समाप्त हो गया। 61 देशों ने भाग लिया, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था वो हमने इससे पहले भी देखा, तो उसको भी आप स्किप मत करना। फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही आपको पॉइंट याद रखने हैं, कौन से देश ने कितने ने भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध का जो मेन रीजन था वो था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध एक्चुअली होना ही होना था, ये तो डैम श्योर था। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण क्यों हुआ? क्योंकि जर्मनी अंदर से भरा बैठा था, मतलब कि अंदर से काफी अपने आप को गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि उसके ऊपर वर्साय की संधि लगी हुई थी। वर्साय की संधि मतलब कि उसके ऊपर एक हर्जाना था, जिसको वो अपनी ताउम्र उम्र भर कभी भी जर्मनी उसकी भरपाई नहीं कर पा सकता था। तो जर्मनी ने सोचा कि यार हिम्मत करके अगर दोबारा एक बार वॉर कर लिया जाए तो क्या पता हम जीत जाए। तो उसने दोबारा जो वॉर की शुरुआत करी थी वो करी थी जर्मन का पोलैंड पर आक्रमण, जैसे उसने करा तो द्वितीय विश्व युद्ध की वहीं पे स्टार्टिंग हो गई, ठीक है। देखिए जर्मनी ने वायसराय की संधि का उल्लंघन कब करा? 1935 में करा। किसके माध्यम से? जर्मनी का पोलैंड पर जब उसने आक्रमण करा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उसने फटाफट युद्ध को छेड़ दिया। तो वर्साय की संधि का उल्लंघन इसने कब करा था? 1935 में करा था। उसके बाद जो अन्य इसके जो अगेंस्ट जो देश खड़े थे उनको काफी इस बात का धक्का लगा कि जर्मनी की हिम्मत कैसे हुई कि वर्सा की संधि का उल्लंघन करा, तो हमको हिम्मत करनी चाहिए, दोबारा से वॉर स्टार्ट हो गया। तो ये छोटी सी पृष्ठभूमि होती है युद्ध को बनने की, बाकी तिल का पहाड़ कैसे बनता है वो सब आप जानते होंगे। देखिए जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना का ऑपरेशन बारबोसा कहा गया है। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना एक ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन को उसने क्या नाम दिया था? उस ऑपरेशन का जो नाम दिया था वो दिया था बारबोसा। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब हुआ था? 8 सितंबर 1941 को। अमेरिका एक्चुअली काफी शांत था, उसने कहा कि ठीक है छोटा मोटा युद्ध है आपस में संभाल लेंगे ये लोग, लेकिन बाद में फाइनली जब युद्ध का बढ़ गया तो 8 सितंबर 1941 को अमेरिका भी क्या था द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा, हम भी हैं, हम भी आ रहे हैं भाई। तो ये आया था 1941 में, कब? 2 वर्ष बाद, 1939 को स्टार्टिंग हुआ था, 1941 को ये इसने प्रवेश करा था, किसने? अमेरिका ने। आगे हम बात करते हैं, देखिए इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक था आपका सेली सेवरी।
और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर अणु बम का प्रयोग करा और द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश भी कौन सा था? जापान था। तो अब हम बात करते हैं, देखिए कि अमेरिका ने, देखिए अब पॉइंट आ गया जो मैं पॉइंट बता रहा था, अब वो पॉइंट यहाँ पे आया। देखिए अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा द्वारा लिटिल बॉय मतलब यूरेनियम 235 तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन, ये था आपका प्लूटेनियम 239 नामक एटम बम का प्रयोग करा था, उस पर गिराया था, ठीक है। और जिस जिस व्यक्ति ने ये बॉम्ब को गिराया था उस व्यक्ति का भी हाल ही में निधन हुआ था। उसका नाम एक्चुअली एग्जाम में नहीं पूछेगा क्योंकि अभी वो नाम तो खैर इतना नहीं है, लेकिन अभी जो वो फाइटर था मतलब करके जिसने उस ऊपर डायरेक्शंस में बम को गिराने की परमिशन दी थी, अपने हाथ से जिसने वो गियर होता है दबाने वाला उड़ते हुए उसने उसको दबाया और बम गिराया, तो उस व्यक्ति की अभी हाल ही में मृत्यु हुई थी। तो फिलहाल ये नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा बम का नाम क्या था उसका, यूरेनियम 235 ये पूछ सकता है या फिर प्लूटोनियम 293 और बम का नाम फैटमैन लिटिल बॉय, कॉमन सी बात। कब हिरोशिमा नागासाकी पर? कब? 1945 पर। आगे और इस विषय का केवल केवल अंतिम पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या रहा था? ये रहा था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, इस टाइम पर हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो बच्चों इस वीडियो में केवल केवल इतना ही, हमने कवर करी ये सभी टॉपिक, 14 पार्ट में हमारा हिस्ट्री इस बुक की पूरी कंप्लीट हो गई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और जो भी आपकी राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा और अपने साथ सबके विकास के बारे में ज़रूर सोचिएगा, मतलब कि इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ दूधा सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपके हाथ में ये बुक होगी और आप उस बुक को तरीके से हाइलाइटर से हाइलाइट्स कर रहे होंगे। कलर जरूरी नहीं कि येलो ही होना चाहिए आपके हाइलाइटर का, कोई भी कलर हो सब चलेगा, क्योंकि बुक आपकी है, पढ़ना आपको है। तो इसलिए उठाइए बुक और लग जाइए। बाय बाय, टेक केयर।